रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धन आवेश आ जाता है और रेशम पर ऋण आवेश आ जाता है। ऐसी दो उल्टी उल्टी बातें थोड़ी देर में कैसे कर सकते हैं? जवाब आ रहा है सर, जैसे अपने लिए ऊर्जा संरक्षण का नियम था, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। वही बात यहाँ पर भी हो रही कि आवेश को एक वस्तु से उठा करके दूसरी वस्तु पर ले जा रहे हैं, पर कुल जोड़ तो पहले जैसा जीरो ही है। कुल जीरो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक से उठ करके दूसरे के पास चले गए, चार बच्चे इधर से उठ करके दूसरी साइड चले जाए तो भी कमरे में कुल बच्चे उतने ही रहेंगे। और यही बात यहां पर भी हो रही, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम से इलेक्ट्रॉन, रेशम के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और कांच से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो कांच की छड़ के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं रेशम पर उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसलिए कुल देखें तो कुल योग अपरिवर्तित है। इसी चीज को अपन आवेश संरक्षण नियम के रूप में जानते हैं। ये अपना तीसरा गुण हो गया। सबसे पहले गुण बात कही थी अपनों ने कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बदल जाता है, द्रव्यमान परिवर्तन की बात कही थी। उसके पश्चात आवेश के क्वांटीकरण की बात कही, क्यू बराबर एनी समीकरण के रूप में उसके ऊपर एक नंबर का एक सवाल लिखवाया है, तो उसका ध्यान प्लस प्लस को या माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और माइनस है विपरीत आवेश है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। सोमानी सर वो तैयार है, कांच की छड़ वाला? सोमानी जी कांच की छड़ वाला हो तो दिखा दे सर एक्सपेरिमेंट। हेलो, एप्लीकेशन का एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं सर आप, तुम्हारी जी है एक स्ट्रो है जिसको धागे से लटका रखी है और एक ये ग्लास रॉड है, इस ग्लास रोड को मैं रब कर रहा हूं, पहले घर्षित कर रहा हूं मेरे कपड़ों पर जिससे ये आवेशित हो जाए, और देखिए जैसे ये पास जाती है ये स्ट्रॉ इसकी ओर आती है। कांच की छड़ को जैसे ही पास ले जाता हूं स्ट्रॉ इसकी ओर होती है। एक प्रतिकर्षण को भी दर्शा देते, ये आकर्षण है दोनों में, विपरीत प्रकार के पदार्थ है, और यदि इसके कांच की रोड के स्थान पे गुब्बारा ले जाइए तो ये दूर भागे। जैसे ही गुब्बारा इसके पास ले जाएंगे स्ट्रॉ दूर भागेगी, यानी कि छड़ और स्ट्रॉ के बीच में आकर्षण होता है और गुब्बारे और स्ट्रॉ के बीच में प्रतिकर्षण होता है। धन्यवाद सर। सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, आ रही आवाज, कंटिन्यू करें आप। आकर्षण और प्रतिकर्षण समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आपने अभी प्रयोग कर सर ने बताया है, आप चाहें तो इसे घर पे भी करें। कोई भी दो प्लास्टिक की थैली आपस में रगड़ करके एक दूसरे के पास ले जाए, फुलाम रखें,
सीटीओआर टीचर्स का एक ऐसा ग्रुप जिसने अपनी सेवाओं को निस्वार्थ रूप से समर्पित किया है। तकनीकी रूप से जितना भी काम हो विभाग को समुन्नत बनाया जाए, विभाग के पास आईसीटी के जितने कंप्यूटर्स हैं या जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन सारे संसाधनों का उपयोग कर विभाग को अधिकाधिक संसाधन मुहैया कराए जाए, जिससे उपलब्ध मानव संसाधन और इन कंप्यूटर मशीन का अधिकाधिक इस्तेमाल हो। इस इस्तेमाल के क्रम में जो हमारी पहली कड़ी थी वो थी परीक्षा परिणाम तैयार करना, द्वितीय स्कॉलर रजिस्टर, और इस स्कॉलर रजिस्टर के साथ साथ कुछ ऐसे काम भी हैं जो इस ग्रुप ने नेपथ्य में किए हैं, जैसे बिल रजिस्टरों का संधारण कैसे किया जाए, बिल को कैसे मेंटेन किया जाए, उसके साथ साथ जो हेड मिलान की एक प्रक्रिया चली थी बिल में पूरे राजस्थान में, उसमें हमने पहल करते हुए इसे आगे बढ़ाया। और इस पहल के साथ साथ ये फॉर्म भरना एक जटिल प्रक्रिया सा हुआ करता था, तो हमारी सीटीओआर टीम के सदस्य ने इसे सरलीकृत करते हुए उपलब्ध कराया। इसके साथ एक नई सुविधा भी हम देने जा रहे हैं, वो थी CTOR.in जो हमारी साइट है उस पर बुलेटिन बोर्ड की, और उसमें हमने विभिन्न जिलों के बुलेटिन बोर्ड दिए, विभिन्न जिलों के बुलेटिन बोर्ड में नवीनतम सूचनाएं। साथ ही हमारा प्रयास ये रहेगा कि निदेशालय से जो आदेश जारी हो वो आदेश तुरंत आप तक पहुंचे, और तुरंत आप तक पहुंचने के साथ साथ इन सारे आदेशों का क्रियान्वयन हो, और यदि उस उन आदेशों से जुड़ा हुआ कोई तकनीकी पक्ष है तो वो सरलतम बन पाए। आज की क्लास खत्म करने से पहले एक इंट्रोडक्शन सीटीओआर का। मैं डी कविता निम्बाहरा से हूँ, और मेरे साथ ये बैठे हैं पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, ये उदयपुर जिले को और कहना चाहिए कि उदयपुर संभाग को संभाल रहे हैं, जो भी रिजल्ट संबंधी प्रक्रियाएं हैं या अपलोडिंग की प्रॉब्लम्स है वर्चुअल क्लास की, इसके लिए ये हैं। और यहाँ पर ये हैं श्रीमान अनिल कुमार सोमाणी, जिनसे आप परिचित हैं और सीटीओआर के प्रथम दिन से ये साथ में लगे हुए हैं। और पीछे मेरे साथ है मिस्टर अनिल कुमार गुप्ता, ये फतेह सिंह सेकेंडरी स्कूल के टीचर हैं, जो आज के कार्यक्रम में इनका पार्टिसिपेशन अविस्मरणीय है, बहुत सहयोग हमें मिला है। और इनके अलावा जो अन्य मेंबर्स हैं वो अभी इस समय इसलिए नहीं आ पाए कि वो अपने अपने क्षेत्र से इस वर्चुअल क्लास की लॉन्चिंग को संभाल रहे हैं। और जो सीटीओआर के मेंबर्स हैं उनमें से जिनका प्रमुख सहयोग है और जो यहाँ पर नहीं है उनके केवल नाम बोलना मैं जरूरी समझती हूँ, श्रीमान मनमोहन जी दाधिच सवाई माधोपुर से, प्रकाश पंड्या और कीर्तिश पंड्या, और अनंत जोशी बांसवाड़ा से, इनको तो हम देख चुके हैं, और अजमेर से है, और सवाई माधोपुर से एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति जिन्होंने इनकम टैक्स और रिसर्च